एकदम बढ़िया साफ बड़े आपसे मिलते बड़े खुशी महसूस हुई साहब। आप क्या बात और साहब आदर आप ठीक है, बड़ी खुशी होती है जब आपसे मिलते हैं। आपको देख के मन में बड़ी प्रसन्नता और खुशी। ऑलवेज स्पिरिट ऑलवेज फ्लाई हाई, स्पिरिट ऑलवेज लाइक ए सी एच एन बसियों को के हर घर में ये तिरंगा लहराया जाए और इसको जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी उनका एम है मिशन है और उसको हमने लेकर आगे चलना है। हमने लहराया है तो हम भी चाहते हैं हर पड़ोसी हर जगह ये अपने जो तिरंगा है ये लहराया जाए ताकि सब लोगों के दिलों में ये एक मुहिम पैदा हो जाए कि ये क्या है, कैसे कर रहे हैं और कैसा हमने करना है। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आज के? नहीं, मैं सब अपने देशवासियों से बेनती करता हूं कि वो सब लोग अपने अपने घरों में एक तिरंगा लहराएं ताकि आने वाले युवा पीढ़ी को ये पता चले कि हमारे देश में आज जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है 75 वर्ष जो बीत गए हैं उसको और भी ऊपर ले जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हम सब ने मिलकर इसके साथ करना। अमृत महोत्सव हमारी देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर देश के हर घर में शान के साथ तिरंगा झंडा फहराया जाए। उसी जनता पार्टी ने यहाँ कश्मीर घाटी के लाल चौक से ये तिरंगा अभियान शुरू किया और यहाँ जम्मू के LOC के नज़दीक के क्षेत्र बॉर्डर के पास परमवीर चक्र विजेता भाना सिंह साहब के घर में आज तिरंगा झंडा यहाँ फहरा कर इनके घर में हमने ये अभियान लिया है। हर घर तिरंगा पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी घर घर में शान के साथ तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है और तिरंगे से ही हमारी पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने हर एक हिंदुस्तानी से ये आह्वान किया है कि हमको आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर बड़ी शान से गर्व और गौरव से अपने घरों में छतों में इन तिरंगे झंडों को शान से फहराना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अभियान के तहत आज जम्मू के इस सीमावर्ती क्षेत्र बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर भारतीय सेना के एक जांबाज सैन्य अधिकारी परमवीर चक्र भाना सिंह साहब के घर पर उनके हाथों से हमने आज हर घर तिरंगा अभियान को यहाँ जम्मू कश्मीर में शुरू किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी शान के साथ चारों दिशाओं में हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराते हुए और फहराते हुए जम्मू कश्मीर का जनमानस आपको सबको नजर आएगा। बॉर्डर पर बॉर्डर का क्षेत्र है, बिल्कुल सामने यहाँ पाकिस्तान के साथ सटी हुई सीमा बॉर्डर है और उस बॉर्डर के ऊपर रहने वाले भारतीय सेना के जांबाज सैन्य अधिकारी भाना सिंह साहब जिन्होंने CHN ग्लेशियर में पाकिस्तान के कब्जे से उन चोटियों को मुक्त कराकर तिरंगा झंडा फहराया था, आज हमने परमवीर चक्र विजेता भाना सिंह साहब के घर में इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल पाकिस्तान के साथ सटी सीमा से हर घर तिरंगा अभियान को शुरू किया है और ये तिरंगा अभियान पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी शान के साथ हर घर में आपको तिरंगा लहराता हुआ और फहराता हुआ नजर आएगा। हिंदुस्तान 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का, हर हिंदुस्तानी के दिल में तिरंगा झंडा बसता है, हर हिंदुस्तानी के दिल में सांस में हर हिंदुस्तानी के ख्वाब में तिरंगा झंडा बसता है, रक्त के कण कण में तिरंगा झंडा बसता है। इसलिए तिरंगा हमें जान से प्यारा है, तिरंगा हमारी आन बान और शान है, तिरंगे से ही हमारी पहचान है।